अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी ओरियो शेक रेसिपी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अपने बच्चों को बनाकर खिलाइएगा, हस्बैंड को, फैमिली को। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना दो ओरियो बिस्किट्स लिए हैं 10 रुपये वाले, तो इसको मैं रैपर से निकाल कर ना जो मलाई वाला पार्ट है वो अलग कर लूँगी, और जो मतलब प्लेन वाला है ना पार्ट वो अलग कर लूँगी, दोनों बिस्किट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बिस्किट्स ले लूँगी और इसे ना चूरा चूरा कर लेंगे, मतलब क्रश कर लेंगे हाथों की ही मदद से। देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बिस्किट लिए हैं और इस तरीके से मैं हाथों से ही इसको तोड़ लूँगी, और बाकी को हम मिक्सर जार में डालेंगे, मलाई वाले पार्ट को भी और जो बिना मलाई का है उसे भी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और चीनी कम ही डालिएगा क्योंकि बिस्किट भी ना मीठे ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास भरकर मिल्क लिया है, और यहाँ पर जो कप वाली आइसक्रीम आती है ना, तो वो मैंने 2 कप आइसक्रीम ली है, वो ऐड कर दी है। तो इसे मैं सिंपली ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने चॉकलेट सिरप से ग्लास को कर लिया है डेकोरेट। आप चाहे तो चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी इस पे ग्लास पर लगा सकते हैं अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट का चूरा थोड़ा सा बचा लिया था ना, इस वजह से ही बचाया था ताकि मैं उसे ग्लास में ऐड करूँ, क्योंकि जब हम शेक पियेंगे ना तो इसमें जब मुँह में जाएंगे ना बिस्किट का चूरा, तो एक क्रंचीनेस आएगी, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से आइसक्रीम ऐड की है अपने ग्लास के अंदर, और साथ में ऐड कर देंगे हम यहाँ पर ओरियो शेक। सो एक बार मैं यहाँ पर फिर से बिस्किट का चूरा ऐड करूँगी थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने ऐड कर दिया है, और लास्ट में मैं ऐड करूँगी किटकैट चॉकलेट। आप कोई सी भी अपनी पसंद की चॉकलेट इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यह है इसका फाइनल लुक। सो ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, ट्रस्ट मी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप ज़रूर उन्हें बनाकर पिलाइएगा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।